चलिए एक बार यह साफ हो गया हु मस्ट परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस याफॉर्मेंस क्या होता है तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ की आता है इज द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस इसकी बात हमने पहले भी की थी वेन टॉक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एज सच देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन बट देर आर सर्टन इन्फुरंस दैट वी कैन गेट फ्रॉम द एक्ट

ज एडवाइज माई स्टूडेंट्स एंड माई क्लाइंट एंड माई फेलो बिजनेसल्टिंग करता हूँ सारे पहलु को सोचिए सारे पहलुओं को डॉक्यूमेंट कीजिए अच्छे से लिखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट दस पेज का बनता है पचास पेज का बनता है सौ पेज का बनता है इट डजेंट मैटर इट शुड कवर एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू यू नो यू वॉन्ट टू इनकैलेट इन एनकैप्सुलेट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट सो इनकेस आप अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने कोई टाइम मैं नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म इनजनेबल टाइम नाउ यही बात आती है जो सेक्शन फोर्टी सिक्स भी कहता है कि वॉट इज रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे शेयर के खरीद बेच का कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे एक, -एक सेकेंड एक एक मिनट कीमती है

ऐसा नहीं होता है हम सिर्फ तारीख मेंशन करते हैं कि इस महीने की इस तारीख को आप मुझे गुड सप्लाई करेंगे और एट दिस प्लेस तो जहां पे जिस तरह से डेट अगर मेंशन है तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे मतलब कि अगर मैं अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको पंद्रह तारीख को सामान की डिलीवरी दे दूंगा तो मैं पंद्रह तारीख को रात को साढ़े बजे आता हूं आपके बिजनेस के बार और खड़ा होकर बोलता हूँ कि आइए दुकान खोलिए मैं आपको सामान की डिलीवरी देने आया हूँ दिस इज नॉट अ वैलिड डिलीवरी वाई

A A promises to to deliver goods goods at B's B's warehouse warehouse, on On February. that day, brings the but after usual hours of closing. उस तो के बार आप सब, आप कैसे पता होगा कि वट आर दूसल आर्ट तो तौर पे जो बिजनेस आर्ट होते हैं वो दुकानों के बाहर गोडाउन के बाहर या कहीं पे भी टाइमिंग मैं नहीं है तो आप फोन करके पूछ लीजिए क्या timing होते हैं

मुझे पांच दस दिन का समय दीजिए पांच दस दिन का समय मैं अपना थोड़ा घर का सामान बाहर निकाल दूँ किचन खाली कर ये सब कर मैं उसके बाद आपको बुलाता हूँ और आप उसके बार, पेंट कर now, house, एक बार मैं तैयार हो जाता हूं तो आई दैट आई एम रेडी लेट्स ये बहुत सहज तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ

बट बी विल टेल हिम अगर ए को बोलता है बी के चलिए काम कीजिए आज आप रात को ग्यारह बजे मुझे डिलीवरी दे दे दीजिए और मुझे मत देना मेरे फ्रेंड के वेराउसपे देना ड्यूटी होती है यूज नाउ इफ देर इज नो एप्लीकेशन विदाउट देशन बाय द प्रोमिसी इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिस रीजनेबल प्लेस फॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एंड टू पर मतलब कि अगर प्रोमिसर ए बी को जाके बोलता है कि भाई मेरा सामान तैयार है मैं आपको डिलीवरी देने को तैयार हूं बताइए मैं कहां पे आपको सामान पहुंचा दू तो प्रोमिस उसको एक रीजनेबल प्लेस के ऊपर मतलब वो प्रोमिसी अगर बोलता है मेरे वेयर हाउस पे दे दीजिए तो ए ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं वहां पे तो नहीं दूंगा आप कहीं और बोलिए वहां दे देता हूँ सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर ऑल्सो टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोम एंड टू परफॉर्म इट एट सच अ प्लेस नाउ अगेन यही बात यहाँ पे बोली गई है प्लेस टू बी फिक्सनेबल दोनों को प्रोमिसर और प्रोमिसी को कंफर्टेबल होने चाहिए इट शुड नॉट बी अनफेयर और इट शुडिंग अग्रीड अपॉन द प्लेस अप्लाइज बोथ टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स एज वेल एज टू पेमेंट ऑफ मनी मतलब जो पैसे या, तो सामान की डिलीवरी और पैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि गुड्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा आप पैसे आप काली पहाड़ी का, के पीछे जाके कलेक्ट कर लेना या, या से दूसरे शहर में जाके पैसे कलेक्ट कर लेना ऐसा नहीं होता है ये प्लेस की जब बात हो रही है इट इज फॉर बोथ द एंड प्रोमी मैनर ऑफ परफॉर्मेंस नाउ कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाए इन वट मैनर इट बी ये सेक्शन फिफ्टी में बताया गया है द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमी प्रिस्क्राइब्स और सेंक्शन मतलब कि चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डिजायर्स बी uh, मतलब बी को ए को सौ रूपए देने के तो ए बी को ऐसा कहता है टू सेंड हिम अफ रुपीज हंड्रेड बाई पोस्ट आप मुझे उसको बोलता है, के, uh, मैं आपको आपके सौ रुपए देना चाहता हूँ मैं आपके सौ रुपए चुकाना चाहता हूँ तो किस तरह से चुकाऊ आप मुझे मैनर बता दीजिए परफॉर्मेंस का ए पूरे ओशावास में उनको बोलता है आप एक काम कीजिए कैनवल के, के अंदर सौ रुपए डाल के पोस्ट के थ्रू मुझे भेज दीजिए आप लोगों को कई लोगों को पता होगा कि इंडियन पोस्ट में आमतौर पर ऐसे ही पैसे डाल के नहीं भेज सकते इट इज इज नॉट अलाउड नाउ ए ने अगर बी को ये बात बोली द डेट डिस्चार्ज एज सून एज बी पुट्स इट पुट द पोस्ट लेटर कंटेनिंग द दोट ड्यूली एड्रेस टू ए मतलब कि जैसे ही उसने लेटर के साथ वो सौ रुपए डाल के अगर भेज दिए इन दैट केस बी की लाइबिलिटी पूरी अगर किसी भी कारणवश अगर वो पैसे बी तक नहीं ए तक नहीं पहुंचते हैं। कि भाई अगर कई पोस्ट में गुम हो गए या फिर uh, डिटेक्ट हो के उसको पोस्ट ऑफिस अगर उसको सीज uh, uh, कर लेता है इन दैट केस बी की कोई जिम्मेदारी नहीं है बिकॉज बी ने वो ही किया उसी मैनर में एक्ट किया जिस मैनर में ए ने उसे बोला नाउ फॉर इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया ठीक है और डिलीवरी बॉय आपके पास सामान लेके आया आप कई बार है आप बोलते हैं कि काम कीजिए ये सामान उठा के मेरे नेबर को दे दीजिए अब डिलीवरी uh, बॉय ने एग्जैक्टली exactly वही किया जो आपने उसको बोला अब उसके आपके नेबर को वो सामान देखे गया आपके नेबर ने वो सामान की ध्यान नहीं रखा वो सामान डैमेज हो गया या फिर वो सामान आपके नेबर ने कंज्यूम कर लिया इन दैट केस आप एमेजॉन पे या उसके डिलीवरी बॉय के ऊपर कुछ एक्शन uh, नहीं ले सकते बिकॉज दे हैव ओनली एक्टेड इन द मैनर दैट वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाई यू ठीक है आर द रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस अब रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है पहले तो वो समझना पड़ेगा एवरी प्रोमिस हम लोगों ने प्रोमिस और ऑफर और ये सब जब हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस उसकी बात की कि देर इज ऑलवेज को मतलब समथिंग इन द रिटर्न ऑफ समथिंग

बट अगर आमतौर पे मैं अगर किसी नए दुकान पे जाता हूं नए किसी शॉप के ऊपर जाके कुछ सामान खरीदता हूं तो देर इज एन देर इज एन वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि मैं सामान लेके जाऊंगा बदले में मुझे वही खड़े खड़े उन्हें पेमेंट करनी है सो इन दैट केस द प्रोम सी जब तक पर, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी uh, राशन की दुकान पे गया और वहां से जाके मैंने 10 किलो चावल खरीदे तो राशन वाला मुझे तब तक डिलीवरी नहीं देगा जब तक मैं पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो जाता

अगर एक ऑर्डर फिक्स किया हुआ है ऑलरेडी ऑर्डर इन विच ये ऑर्डर हो सकता है कि आप एक्सप्रेसली फिक्स करें तो, आ, के आप आपस में डिसाइड करते हैं कि पहले आप मुझे गुड्स देके जाएंगे और उसके बाद मैं आपको सामान दूंगा आपको पेमेंट दूंगा एक महीने बाद दो महीने बाद तो यहाँ पे आपने ऑर्डर फिक्स किया है कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ऑर्डर जो होता है काम करने का और काम की पेमेंट का या दूसरे प्राम, 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 रेसिप्रोकल प्रॉमिस का वो कहीं ना कहीं समझ जा समझा जाता है बाय द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो ये दोनों चीजों को हम समझते हैं नाउ इफ ऑर्डर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर कट डिसाइड कर रहे हैं कि पहले आप मुझे फिफ्टी पेमेंट देंगे ऑर्डर नंबर वन फिर आप मुझे मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा सेकेंड पार्ट फिर आप मुझे बाकी के फिफ्टी परसेंट पेमेंट करेगी दूसरी पार्टी, करेगी, तीसरी पार्टी उसको देगी. यहाँ पे तो आपको इसी ऑर्डर में चलना है बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है ऑर्डर को आप फिक्स नहीं करते ना इन दैट केस इट शेल बी परफॉर्म इन ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बिल्ड अ अ हाउस फॉर एट प्राइस कॉन्ट्रैक्टर है है ठेकेदार और को बोलता है कि मैं तुम्हें घर बना be मतलब, बनाना पड़ेगा उसके बाद बी उसको पेमेंट करेगा ए काम शुरू करने से पहले ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे पूरा पेमेंट कीजिए फिर बाद में काम शुरू करूंगा यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा दे कैन ऑब्वियसली पुट अ कंडीशन बट वो एक्सप्रेस किया जाएगा ऑर्डर फिक्स किया जाएगा कि ए बी को बोल सकता है कि भाई मुझे कुछ एडवांस दीजिए तो ही मैं काम शुरू करूंगा दैट इज वैलिड बट यहाँ पे इट इज एक्सप्रेसली फिट बट अगर दोनों जने कुछ बात नहीं करते तो ये समझे वाली बात होती है कि भाई पहले आप अपना काम पूरा कीजिए उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी ना इनकेस ऑफ डिपेंडेंट प्रोमिस वेर वन केन नॉट बी परफॉर्म टिल द अदर इज परफॉर्म कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जहां पे जब तक एक पार्ट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता हूं नाउ इन दैट केस द नॉट बी परफॉर्म टिल द अदर हैज बीन एज अदर पार्टी ऑब्वियसली बात है बट यहां पर यह इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन फिफ्टी फोर बोलता है द पार्टी मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस विच सच अदर पार्टी मे सस्टेन बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो पूरा थर्ड uh, जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसिस का रूल है ये आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा नाउ एक व्यक्ति एक uh, दूसरे व्यक्ति का शिप हायर करता है ए हायरस बी शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कलकत्ता टू मॉरिशियस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए मतलब कि ए बी को बोलता है कि मैं आपको एक कार्गो सप्लाई करूंगा मेरा एक कार्गो आपका अपने मेरे गुड्स आपको दूंगा जैसे कैलकाटा से मॉरिशियस मुझे आपको आ, मुझे कैलकाटा से मॉरिशियस भेजने और आप उसे अपने शिप पे लेके जाइए उसके बदले में मैं आपको इतना फ्रेट दूंगा सो बी प्रोवाइडेड बाई बी उसके एवज में एक फ्रेट आपको जो आपका भाड़ा है वो दूंगा नाउ किसी भी वजह से चाहे वो गुड्स रेडी नहीं हुए या प्रोडक्शन नहीं बना या कोई गुड्स डैमेज हो गए नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप अब ए अगर बी को सामान देता ही नहीं है नाउ दिस इज अ डिपेंडेंट प्रॉमिस कैसे डिपेंडेंट के पहले आप सामान दोगे उसके बाद बी अपने शिप पे उसको लेके जाएगा अगर वो उसको कार्गो देता ही नहीं है ए कैनॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस वो ये नहीं बोल सकता है कि भाई ठीक है मैं अपना सामान जब होगा तब दे दूंगा आप कुछ तो लेके जाओ कैलकाटा से मॉरिशस अरे भाई क्या लेके जाओ एंड बी बट बी के पास यहाँ पे एक राइट uh, right है वो बोल सकता है लॉस तो uh, मतलब कि जो फ्रेट जो ए ने प्रॉमिस किया था बी को वो उसको पे करना पड़ेगा बिकॉज इट इज द लॉस

Now, जो मैंने आपको प्लमर का एग्जाम्पल दिया था कि प्लमर इज रेडी मैं गड़ी घड़ी मैं आपके पास आ रहा हूँ बोल रहा हूँ कि आप मुझे घर खोल के दीजिए मैं बाथरूम रिपेयर करने को तैयार हूँ और अगर मकान मालिक उसको घर के अंदर नहीं रह रहा है जो प्लमर है वो बोल सकता है कि भाई मुझे कम्पनसेशन दीजिए दी 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 बार बार जो मैं आ रहा हूँ तो मेरे बार बार आने की मेरी दिहाड़ी जारी है मुझे पैसा दीजिए मुझे भाड़ा दीजिए तो मेरी दिहाड़ी दीजिए वो आप कम्पनसेशन मांग सकते हैं बट

ठीक है ए बोलता है बी को कि मेरा जो घर है मैं आपको दस हजार रुपए में बेचने को तैयार हूं ना दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें कुछ uh, गलत नहीं है सो इट इज कंप्लीटली फाइन बट इफ बी यूज इज द हाउस इज अम्पलिंग हाउस वो उसको जुए का अड्डा बना देता है इन दैट केस बी शेल बी शेल पे बट सॉरीपल अगेन रियली सॉरी फॉर दिस ए और बी अपने बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं दस हजार रुपए में आपको घर बेचने का कर रहा हूं बट अगर बी उसको गैमलिंग का अड्डा बनाता है तो बी उसको दस हजार की जगह पचास हजार रुपए देगा नाव यहां पे क्या हो रहा है जो पहला पार्ट है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आप दस हजार रुपए में घर बेचने की बात कर रहे हैं जो दूसरा पार्ट है जो आप पे ये कंडीशन डाल रहे हैं कि भाई अगर आप उसको जुए का अड्डा बनाओगे तो मैं आपको चालीस हजार रुपए और दूंगा आपको पचास हजार रुपए दूंगा दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टिल बी एनफोर्स whereas the second part of the contract automatically becomes void because in india gambling is illegal all right so in next video we will be talking about the discharge of contract thank you